सीरियल्स की हमारी बहु बेटियां सर्वगुण संपन्न होती हैं, ये तो हम आपसे शुरू दिन से कहते आए हैं। और लीजिए, जब सीरियल का नाम हो सर्वगुण संपन्न, तो भाई इनकी पूजा कैसे कुछ अलग हो सकती है। तो बस फैशन शो से शो स्टॉपर क्या भागी, हमारी पूजा ने ले लिया सेंटर स्टेज और बन गई शो स्टॉपर। पूजा शर्मा के एक थप्पड़ ने एक कबीर की तो छुट्टी कर दी। जी हाँ, सिंड्रेला बनी थी पूजा शर्मा, क्योंकि एक स्पेशल कॉज के लिए वो शो स्टॉपर बनी थी। सिंड्रेला बनकर वो इधर उधर इतरा रही थी। लेकिन गुस्सा पूजा को तब आया जब उसके वॉक पर अबीर ने दो सीटी कम बजाई। जी हाँ, इधर अबीर ने सीटी नहीं बजाई तो पूजा को इतना गुस्सा आ गया कि उसने कबीर के कान के नीचे सीटी बजा दी। जब शेनू रैंप वॉक करेगी तो सीटियां बजना तो लाजमी है ना बॉस। मैं तुझे नहीं मारूंगी आज तो। इसने दो सीटी कम बजाई थी। जितनी सीटी कम बज रही है उतनी थप्पड़ ज्यादा है। अरे ये तो सिर्फ मजाक था, ये दोनों तो मस्ती के मूड में है। असली वाली कहानी तो ये है कि इस फैशन शो में एक कुछ ऐसा होने वाला था जिसमें पूजा की जान खतरे में पड़ने वाली थी। फिर क्या, कबीर को जैसे ही इस बात का पता चला वो तुरंत आया पूजा को बचाने के लिए, लेकिन पूजा को लगा कुछ और ही, इसीलिए तो उसने थप्पड़ जड़ दिया कबीर के गाल पर। इस नोट ये है कि ये मुझे बचाने जा रहे होते हैं किसी चीज के लिए, पर मैं समझती नहीं हूँ। एज यूजुअल हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स का जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है, तो ये मुझे बचाने आता है और मुझे लगता है कि ये मेरा काम बिगाड़ने आया, इसीलिए उसको चपेटे पड़ती है। खैर, पूजा इस बार भी कबीर को गलत ही समझेगी। अब पूजा, अगली बार हम जब आपसे मिलेंगे ना तो इत्मीनान से बताएंगे कि आपके साथ जो जो हादसे हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कबीर नहीं बल्कि आपका वो मैनेजर है ना, वो है। तो भाई असली हीरा पहचानिए, नकली को बाहर का रास्ता दिखाइए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।